आप ये पीछे देख सकते हैं, दिख रहा है कुछ, कहाँ का हो सकता है बताइए। इसका तो नींद नहीं टूटा है, जब से ट्रेन से उठी है नींद नहीं टूटा है। हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से हम लोग पिछले ब्लॉग में जो एक चीज अधूरा छोड़े थे, पहले इस चीज को देखिए। वो अधूरा चीज क्या था, ये कि नेहा को हम करवा चौथ पे क्या छोटा सा गिफ्ट दिए थे, क्या प्यारा सा गिफ्ट दिए थे। वो गिफ्ट का अनबॉक्सिंग जो नेहा की है वो आगे देखिए, उसके बाद ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो इसको फाड़ो और देखो इसमें क्या है। हाँ, तुम्हारे पास था लेकिन खराब हो गया था। मेरे पास तीन घड़ी था लेकिन तीनों, मतलब दो को तो पूरा खराब हो गया और एक। कैसा? हमको पहनाओ। अच्छा है ना, ब्लैक कलर। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉच। हे फैमिली, तो आप लोग ने देख लिया ये प्यारा सा गिफ्ट जो मैंने नेहा को दिया। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि करवा चौथ खत्म हुआ और सडन हम लोग का एक प्रोग्राम बना है। और क्या प्रोग्राम बना है चलिए दिखाते हैं पहले आपको। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, लाइक करने से कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अभी दिखाते हैं पहले, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, ब्लॉग में बने हुए रहिएगा। तो आज रात हमारा ट्रेन है और ट्रेन कहाँ का है तो ये तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं उसके लिए नेहा पैकिंग कर रही है, सारा सामान पैकिंग हो। ज़्यादा दिन का तो नहीं है, दो दिन का प्रोग्राम है, तो दो दिन का प्रोग्राम है तो उसी हिसाब से कपड़ा सारा रख रही है ना। मेरा जगह है इसमें, अट जाएगा। इस बार हम लोग ज़्यादा लगेज नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि लगेज से ही दिमाग ख़राब हो जाता है। हे फैमिली, तो टाइम हो गया 5:49 और आज ही रात को हम लोग का ट्रेन है, पता है ना तुमको। ये तो नहीं सोच रहे हो कि कल का है, तो इतना लेट कौन पैकिंग करता है, तुमको कल ही पैकिंग कर लेना चाहिए था। ओह, आपको हम बोले कि आ जाएगा जल्दी, तो आज भी 5 बजे आए हैं। तो क्या हे गाइस, तो अभी हम लोग का पैकिंग हो गया है और अभी कुछ एक दो को सामान लेना था मार्केट से, तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं और बस थोड़ा देर का काम है, आधा घंटा का, और तुरंत हम लोग आ जाएंगे। और रात में ट्रेन भी है तो जल्दी जल्दी करना होगा, क्या का सारा सामान रखना होगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि खाने पीने का सामान, जैसे ओट्स, ये सब, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब रखना होगा। आके भी बहुत काम है, तो चलिए आपको दिखाते आगे। तो अभी आ गई, अपने यहाँ कुछ इसको शॉपिंग लेना करना था जाने के लिए, तो जल्दी जल्दी में अभी हम लोग हैं। रात का 8 बज रहा है और क्या रहा, वहाँ आराम से बैठी हुई है। ले लो, हाँ अच्छा कलर है वैसे वो ना, ले लो तो जो लेना ले लो, हम भी एक दो ले लेंगे उसके बाद चलेंगे जल्दी। ठीक, तो कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, अच्छा ना। हाँ तो दूसरा कलर लो, इतना सारा तो कपड़ा है, लड़की लोग को कपड़े पसंद नहीं आता है, सबसे बड़ा लफड़ा यही है। क्या लग गया, कैसे चोट लग गया? अच्छा वहीं अच्छा से बैठो, चोट नहीं लगेगा। तो यहाँ तो नीचे गर्ल्स का गारमेंट्स का है और देख लो तुम, कपड़ा पसंद नहीं आता। तो दूसरे मॉल में जाके, अब इधर से शॉर्ट रास्ता है, चलो देख लेना। इधर इधर भी तो आया होगा नया नया, ठंडी का लग तो रहा आया, तो चलो ना देख लेना ना। उधर फुल तो आ गया है, हाफ पता नहीं होगा कि नहीं। गाइस, तो दूसरे जगह भी नहीं मिला और फिर से हम लोग अब थर्ड जगह जा रहे हैं, एक और मॉल। चलो क्यारा, क्यारा को तो मज़ा ही है, चलो ना, वही तो। तो हम लोग अब थर्ड मॉल में जा रहे हैं और ये तीसरा जगह है, अब देखते हैं यहाँ भी नेहा का पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि क्यारा को तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर होगा, यहाँ तो ऊपर है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आई थी नेहा अपने लिए लेने, क्यारा का भी ले ली, चलो कोई बात नहीं। खिलौना मांग रही है, कौन खिलौना पता, वो गाड़ी जो ऊपर में रखा हुआ वो वाला,
तो अभी आज ये बाहर जाएगी कि खिलौना से खेलेगी बताओ? वही तो हम भी कह रहे हैं ना कि अभी तो क्या ही खेलेगी, छोटा मोटा ले सकती है अभी, उतना अभी चलाएगी तीन दिन फिर। गाइस तो हम लोग शॉपिंग हो गया था और भूख लग गया बहुत तेज से, तो रात को निकलना भी, तो नेहा को देखिए बाहर ही खा लेते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, डोसा खाएंगे। तो क्यारा को देखिए बदमाशी, क्यारा का बदमाशी तो अंत ही नहीं होता है ना क्यारा। अभी उधर क्या खाओगी, क्या खाओगी, क्या खाओगी तुम? बस पानी पूरी। क्या बोल रही है? पानी पूरी तुम बोल रही है? तो क्या बोल रही है? रोटी। रोटी खाएगी? अच्छा ठीक है, रोटी आ रहा है तुम्हारे लिए, और डोसा ही मंगा लेते हैं, भूख लग गया बहुत तेज, खा करके चलते हैं घर जल्दी, क्योंकि निकलना भी है, ट्रेन भी है। खाना स्टार्ट, खाना स्टार्ट। वाह खाओ जल्दी जल्दी, कहाँ बोल रहे बिना खाए चलो, खा के चलो। फैमिली तो रात के बज रहे हैं 10:45 और हम लोग अब निकल रहे हैं, लाइट वाइट सारा ऑफ हो गया, घर का लाइट सब रेडी है, सब कोई फॉर्मल में, क्योंकि रात को सिर्फ सोना ही तो है ना, इसीलिए तुम भी पहनी हो। चलो और बैग सब कहाँ है? एक तो यहाँ है और एक बस ये यहाँ है, ज़्यादा सामान खुशी का ठिकाना नहीं है। यहाँ क्या रखो, चुप क्यों रही हो? चला चला चला। तो हम लोग स्टेशन पे अब आ गए हैं और ट्रेन हमारे आने वाली है, अभी टाइम है ट्रेन आने में ऑलमोस्ट 16 मिनट के बाद ट्रेन है, तो रात है, दिन नहीं है कि बिल्कुल 2 मिनट पहले आके ट्रेन पकड़ोगे हर बार की तरह। क्या रे कहाँ आ गई तुम? स्टेशन, टीशन, टीशन। हाँ लेकिन जा कहाँ रही हो अभी, ट्रेन से चढ़ के कहाँ जाओगी? थिंक थिंक, सोचो सोचो सोचो। हाँ नानी का। अरे वाह, तुमको तो बस नानी घर दिखता है। घर जाएंगे? घर जाओगी? हाँ। तो जाओ कोको के पास, हम और मम्मा जा रहे हैं, ठीक है? बाय क्यारा, जाओ बाय। नहीं तो एक ही सामान है इधर और बस ये बैग। दो बैग है। तो खाली छोटा सा ऐसे ही रखे हैं इसमें, बस 11 का थोड़ा बहुत खाने के लिए। तो करते हैं हम लोग अब अपने ट्रेन का इंतजार, और ट्रेन आता है तो फिर दिखाते हैं आपको। आओ क्यारा बैठ जाओ। गाइस तो ये ट्रेन भी वहीं जाएगी जहां हम लोग जाने वाले हैं, बस अंतर ये है कि रिजर्वेशन इसमें नहीं है हम लोग का, है ना? इसी में बैठ जाओगी? बैठ तो सकती हो लेकिन टीटी उतार देगा आधे रास्ता में, या हो सकता है बाथरूम के पास बैठ के जाना पड़े। हाँ क्योंकि सब तो अपने से अनाउंसमेंट भी हो गया इस ट्रेन का, नहीं हमारे ट्रेन का हो रहा है। ओके 11:41 हो गए हैं और ट्रेन हमारी लेट हो गई है ऑलमोस्ट आधा घंटा, नेहा को नींद भी आने लग गया और अनाउंसमेंट हो गया है। अब ये दूसरी ट्रेन लगी हुई है और हमारी ट्रेन आने वाली है, वो वहाँ से ट्रेन आएगी और दिखेगी अभी, तो हम लोग को पीछे चलना चाहिए नेहा, इधर ये तो आगे है इधर चलना चाहिए। हम लोग की ट्रेन फाइनली आ गई है और अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली है और हम लोग अब ट्रेन पे चढ़ेंगे, ट्रेन पे चढ़ के बता देंगे कहाँ जा रहे हैं। अच्छा ट्रेन पे चढ़ के डिसाइड करेंगे कि हम लोग बताएंगे कि नहीं। तो ट्रेन आ गई तो जल्दी से पहले चढ़ जाते हैं, अब ट्रेन पे चढ़ गए हैं, चलो अंदर। क्यारा और नेहा दोनों सो गए हैं और मिडिल बर्थ मिल गया हम लोग को, और एडजस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे वाले भी थोड़ा प्रॉब्लम में हैं, और हमको भी यहाँ मिडिल मिला है, और ट्रेन कितनी हिल रही है, दोनों को मिडिल बर्थ मिला है। अच्छा ना, क्यारा मज़ा आ रहा है ट्रेन पे? हाँ। और मज़ा लेगी? हाँ। ठीक है, एक भी नीचे वाला बर्थ दे देता तो। हाँ तो पहले वाले टिकट में नीचे वाला मिला ही था। हाँ 12 बजे रात को चढ़ोगी तो सोएगा ही सब। चलिए अब सुबह मिलते हैं आपसे, और सुबह उठते के साथ हम लोग पहुंच ही जाएंगे, ठीक है? गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। तो नेहा सो गई लेकिन क्यारा अभी तक जगी हुई है। क्यारा सो जा बेटा, आँख बंद कर लो, गुड गर्ल, जल्दी सो जा, सुबह उठ जाएंगे, ठीक है?
हे फैमिली, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हम लोग को आना था और ये आ गई। तो चिल्ला के ही बोलना होगा। और अभी तो आप लोग को पता चल ही गया होगा जो लोग यहाँ आए होंगे ये कौन सा स्टेशन है, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं ये अभी 2 मिनट बाद आप लोग को पता चलेगा। तो ब्लॉग में बने हुए रहिएगा, बस 2 मिनट में। कहाँ आइए, कह रहा है जीप निकालती है, बस शर्मा क्यों जाती है, ब्लॉगर हो तो ब्लॉगर हो ब्लॉगर फैमिली। तो अब हम लोग रिवील करने वाले कि हम लोग कहाँ पहुँचे। आप ये पीछे देख सकते हैं, दिख रहा है कुछ, कहाँ का हो सकता है बताइए। तो हम लोग कोलकाता पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँचे, जो कि अंग्रेजों के समय में एक गांव था जिसका नाम था कोलकाता। अंग्रेज लोग घूस देके खरीदा था इसको, 3 गांव जिसमें से एक कोलकाता था। और हम लोग आ गए हैं और हम लोग क्या एक्सप्लोर करने वाले कोलकाता में, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, जो कि अगले ब्लॉग में आप लोग को पता चलेगा ना। क्या हाँ, इसका तो नींद नहीं टूटा है, जब से ट्रेन से उठी है नींद नहीं टूटा है उसका भी, सोई नहीं रात भर। तो चलिए चलते हैं और फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कौआ है बेटा। गाइस, तो अभी हम लोग होटल जा रहे हैं और कोलकाता में स्कूटी चलाने का अलग मजा। हाँ, मतलब एक हम लोग की यहाँ पे फ्रेंड है, उसी लोग के साथ, मतलब उन्हीं का स्कूटी है ये, उन्हीं के साथ जा रहे हैं और वो लोग आगे जा रहे हैं। हाँ, चलिए होटल में जाके दिखाते हैं। हाँ, तो यही यही जो बताए आपको कि ये दोनों फ्रेंड यहाँ पे हम लोग की रहती है, तो उन्हीं के साथ हम लोग आए हैं अभी और यही होटल में रुके हैं, आर्या रेजेंसी। पहले से ज्यादा बॉडी बना एक दिन जिम नहीं जाएंगे तो उनको नींद नहीं है। अच्छा।